छोटे वाला 50 रुपए का अच्छा एंजॉय कर सकते हो बिल्कुल मस्त, आके यहाँ पर सारे एडवेंचर कर सकते हो। अंदर जाने पे आपको यहाँ पर 500 रुपए चार्ज है, बाकी अब अंदर जो मर्जी कर। इसकी वजह से मुझे लग रहा है खाली है कुछ कुछ चीज़ें, रेस्टोरेंट कई सारे रेस्टोरेंट बंद भी थे, क्या पता 25 तारीख के बाद सारे जरूर करें। देख सकते हो ये झूला है, इसके अंदर आप बड़े छोटे, अभी भी इसको मन नहीं भरा है, अभी भी घर जाने को राजी नहीं हो रहा है, यहीं पर ही इसकी मम्मी इसको खाने के। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुगु फैमिली ब्लॉग पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम जा रहे हैं घूमने सुगु को लेके। तो दोस्तों इस चैनल पे आप अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम जा रहे हैं दोस्तों रोहिणी रिठारा के पास मेट्रो वॉक घूमने दिल्ली का। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको पूरा व्यू उसमें देखने को मिल जाएगा मेट्रो वॉक का अच्छी तरीके से। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। चलिए पहुँचते फिर मेट्रो वॉक। तो यहाँ पर दोस्तों मेट्रो वॉक हम पहुँच चुके हैं, अब ये है पार्किंग की एंट्री। तो चलिए फटाफट हम एंट्री कर लेते हैं पार्किंग की। तो यहाँ पर बाइक के 30 रुपये, कार। तो फाइनली दोस्तों हम दिल्ली के मेट्रो वॉक में आ चुके हैं, गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और सुगु देखो हमारा पहुँच में है। सुगु पहुँच दिखाओ, देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग, बाइक की कार की बहुत पार्किंग का बहुत स्पेस है, कम से कम हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी यहाँ पे। सुगु देखो ये है पार्किंग का, कई मेन गेट आपको दिखाता हूँ। तो आज ऐसे ही हमने सोचा कि डायरेक्ट वहीं चल, घर पे वीडियो नहीं बनाई, सीधा यहीं आके वीडियो बनाई है। सुगु देखो कैसे चक्कर खा रहा है, ये नींद में है ये कैसे क्या खा रहा है चक्कर सा। तो ये अरी मैं सामान वामान रख रही है पैक में, अब हेलमेट की चिंता है, देखो कोई उठाना ले जाए, ऐसे रख दिया मैंने, तो देखते हैं बाद में आके क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो आओ चलो। तो दोस्तों पार्किंग में गाड़ी को पार्क करके यहाँ पर आगे मेन गेट पे देख सकते हो अभी भी गाड़ियाँ जा रही है, क्योंकि आज संडे का दिन है तो आज पूरी फैमिली आती है घूमने के लिए। तो ये है मेट्रो वॉक, देख सकते हो रिठाला के पास है, जो कि अगर आप आ रहे हो तो रिठाला के बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ये, और रोहिणी वेस्ट के बीच में, रिठाला और रोहिणी वेस्ट के बीच में का एरिया है, जो उसके सामने वाली सड़क पे जाता है, तो सीधा ये आ जाता है मेट्रो वॉक। तो देख सकते हैं, चलिए फिर फटाफट हम अपनी चेकिंग करवाते हैं, और संगीता की एक फ़ोटो भी खींचनी है, यहाँ पर बोल रही थी कि मेरी एंट्री पर एक फ़ोटो खींच देना, तो मैं इसकी एक फ़ोटो भी खींचूँगा, तो अभी खिंचवाएगी ये। तो देख सकते हो यहाँ पर ये फ़ोटो खिंचवा रही है, क्योंकि इसको फ़ोटो खिंचवाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये लेडीज़ की लाइन में चलते हैं और हम चलते हैं अपनी जेंट्स की लाइन में, और यहाँ पर सुगु और मैं चेकिंग करवाते हैं। आजकल सुगु भी बड़ा हो गया ना, तो लड़कों के साथ ही जाता है, तो इसलिए हमारे साथ ही आता है चेकिंग वेकिंग करवाने के लिए। तो हमने यहाँ पर चेकिंग करवा लिया, बाहर आ गया, संगीता की अभी चेकिंग हो रही है, क्योंकि बैग में चेक करेंगे वो अच्छी तरीके से, बैग में कुछ ले तो नहीं जा रही कुछ, तो इसीलिए उसका बैग वैग चेक करेंगे, तो फिर वो आएगी। तो देख सकते हो ये पूरा मेट्रो वॉक है, आज भी वैसा है, 2004 में 2005 तक 10 तक 11 12 में बहुत पहले से यहाँ पर घूम रहा हूँ, अभी भी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, बस एक क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे थोड़ा इसको सजा दिया जाता है, बस रात को थोड़ा सा अच्छा लगता है, दिन में इतना अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। अब जब भी आओ रात में आओ आपको खूब अच्छा लगेगा यहाँ पर, और देख सकते हो सुगु कितना खुश है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे छोटे छोटे, उनको देख के काफ़ी खुश हो रहा था, और यहाँ पर खेलने का इसको स्पेस बहुत मिल रहा था, साफ़ सुथरा था, इसीलिए इसको अच्छा लग रहा था यहाँ पर। कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसको देखने को मिल रही थी, तो बड़े ध्यान से देख रहा था और चुपचाप खड़ा हो रहा था। और यहाँ पर देख सकते हो अभी भी कुछ कुछ चीज़ें स्टॉल बहुत कम लगे हैं, अभी लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी देख सकते हो क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, अगर आप क्रिसमस पर जाते हो तो यहाँ पर खूब मज़ा आने वाला है आपको, और न्यू ईयर पर जाने हो तो भी आपको यहाँ पर खूब मज़ा आने वाला है। आपको यहाँ पर नाच डीजे हरदम मिलता है यहाँ पर चलता हुआ, आपको डीजे मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो बच्चों की कैंडी है, और यहाँ पर बहुत सारी कैंडियाँ रखी थी अलग अलग तरीके की। क्या लगेगा? 50 रुपये का भाई, 50 रुपये का, 30 रुपये का, इधर का, ये कितने का? 30 रुपये का भाई। खाएगा सुगु कैंडी? खाओगे जेली कैंडी, मार्शमेलो कैंडी सब आएगी। अच्छा मार्शमेलो भी है? हाँ। ये 80 रुपये का है, छोटे वाला 50 रुपये का। चाइना वाला भी कैंडी है? हाँ
चाइना में ऐसी कैंडी ज़्यादा चलती है, इसको ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं चाइना में। मैम इधर भी है। कौन से मंदिर हैं? बहुत सारे एरे हैं। मतलब वो ये अलग रेंज का है। आजकल हाथों वाले आ रहे हैं मंगल। हाथ में ये ब्रेसलेट है, ये तो मंगलसूत्र है, ये हाथ में पहनते हैं। ये कौन सा मंगलसूत्र हाथ में पहनने वाला? गले में पहनना था तो देखा था मैंने, हाथ में पहनने वाला नहीं आ गया। हाँ एक नाम ये भी हाथ में। ये कितने का? 100। सारे मतलब 100 रुपये के ना। चल खत्म कर फटाफट। सुग्गू कहाँ जा रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पर आपको 3D एनिमेशन मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको मूवी दिखाई जाएगी और यहाँ पर गेमिंग खिलाई जाएगी। यहाँ पर आप गार्ड चला सकते हो, राइड कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। बिल्कुल रियल लगेगा जैसे आपको 3D एनिमेशन होती है। चश्मा लगा के वो बड़ा वाला लेंस लगा के क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर लगा के उस हिसाब से आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। बच्चों के यहाँ पर टॉय भी मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ स्टॉल है अभी खाली है क्योंकि अभी 25 तारीख के बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बहुत रश होने वाला है। आप पहले भी आके घूम सकते हो या बाद में भी आ सकते हो। आप न्यू ईयर पे भी आ सकते हो, क्रिसमस पे भी आ सकते हो। मैं सोचता हूँ कि एक बार न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे आके एक बार और इसका व्यू बना ले, वीडियो बना ले, आपको मैं दिखा सकूँ। या क्रिसमस पे मैं सोचूंगा या न्यू ईयर पे मैं ज़रूर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा यहाँ पर यहाँ का व्यू। या मैं इससे अच्छा करूँगा कि कहीं और का भी दिखा सकूँ खूब अच्छा आपको। तो दोस्तों हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको दिल्ली की फेमस चीज़ें होंगी जो भी आपको उनका व्यू उनको एक्सप्लोर कर सकूँ और दिखा सकूँ आपको अच्छे तरीके से। तो इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 100 रुपये में आपको यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। इसके अंदर मोबाइल नॉट अलाउड है पर फिर भी यहाँ पर लोग अपने मोबाइल लेके जा रहे हैं। जो लिखा होता है उसे कोई नहीं मानता, अपने मन की करते हैं। यहाँ पर बोटिंग हो रही है 100 रुपये में पर बंदा। यहाँ पर आके आप अच्छे से बोटिंग कर सकते हो और यहाँ पर बच्चों के लिए आपको अच्छी अच्छी एक्टिविटी मिल जाती है जिनका प्राइस 50 से 100 रुपये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर आपका। और खाने में भी आप बहुत सारी आइटम है यहाँ पर खा सकते हो। आपको वैसे भी बहुत सारे स्टॉल या दुकानें हैं जिसमें आप बैठ के खा सकते हो। अगर आपका मन है कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का तो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाता है जो कि हवाई जहाज में बना हुआ है। वो देख सकते हो सामने हवाई जहाज का रेस्टोरेंट है। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर मेट्रोबर्ग में हवाई जहाज का रेस्टोरेंट है, तो यही वाला रेस्टोरेंट है और कोई रेस्टोरेंट नहीं है, यही है मेट्रोबर्ग दिल्ली के अंदर। तो मैं आपको करीब से दिखाऊंगा और देख सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल मस्त आके यहाँ पर सारे एडवेंचर कर सकते हो। अंदर जाने पे आपको यहाँ पर 500 रुपये चार्ज है, बाकी आप अंदर जो मर्जी करो। अंदर के चार्ज अलग होंगे बट एंट्री आपको यहाँ पर 500 रुपये है। अंदर आप खाओगे पियोगे या यहाँ पर और भी एक्टिविटी करोगे उसका चार्ज आपको अलग लगेगा। यहाँ पर आपको अंदर जाने का बस 500 रुपये है पर बंदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे के लिए, छोटे बच्चों का तो फ्री है और बाकी 10 साल से ऊपर, 12 साल से ऊपर, 8 साल से ऊपर का उनके चार्ज लगेगा जो भी है। तो यहाँ पर सारे एक्टिविटी है 50 से 100 रुपये की आपको मिल जाएगी बच्चों के लिए। तो आप जाए दिल्ली के आसपास हो या आप कहीं दूर हो, आप यहाँ पर आ सकते हो और पूरी इंजॉय कर सकते हो। पूरे दिन खुला रहता है, कोई लिमिट नहीं है, रात को भी खुला रहता है ये। तो आपको रात को 11 से 12 बजे के बीच में ही खुला रहता है, आप आके इंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये जो प्लेस देख रहे हो ये डीजे प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे डीजे चलते हैं और ये न्यू ईयर पे चलेंगे या आपको 25 तारीख को अभी क्रिसमस पे आने वाला है तो उसमें भी आपको यहाँ पर डीजे लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हो स्टेज है, बहुत सारे यहाँ पर इवेंट होते हैं तो आप यहाँ पर आके इवेंट का भी मज़े ले सकते हो, काफ़ी मज़े आते हैं यहाँ पर। तो जैसे सुग्गू का स्टेप पर बहुत मज़े आ रहे हैं, खूब भाग रहा है, खूब खेल रहा है, कूद रहा है। उसकी मम्मी उसके साथ घूम रही है और उसके साथ मस्ती कर रही है तो उसको खूब मज़ा आ रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को लेके आया, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलता है, काफ़ी सारे बच्चे मिलते हैं उनको, अच्छा लगता है यहाँ पर घूमना। तो बच्चों को कभी कभार घुमाने ले जाना चाहिए जिससे कि बच्चों को कुछ बाहर की नॉलेज हो और देखने को मिले, कुछ सीखने को मिले। और हफ्ते में एक बार ही ज़रूर घुमाना चाहिए। तो ये आपका रेस्टोरेंट है देख सकते हो, हवाई जहाज वाला रेस्टोरेंट है। आप इसके अंदर 500 रुपये देकर एंट्री कर सकते हो, बाकी आप इसके अंदर खाना पीना आपका जो भी चार्ज है वो आपका अलग इंक्लूड है। बस खाली अंदर एंट्री के आपको यहाँ पर 500 रुपये पे करने पड़ेंगे पर बंदा 500 रुपये। तो यहाँ पर पूरी एक्टिविटी आपको अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप राइडिंग कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप वहाँ पर जाने पर ही आपको पता चलेगा। बाकी जब आप जाओगे आपको खूब मज़ा आने वाला है, खूब इंजॉय करने वाले हो।
इस टाइम पे तो आपको जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे न्यू ईयर का टाइम आ गया है और यहाँ पर देख सकते हो क्रिसमस भी आने वाला है, तो इस टाइम पे और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो इस टाइम पे तो अभी खाली है क्योंकि अभी मेरे अंदर साफ़ सफाई चल रही है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है खाली है कुछ कुछ चीज़ें। रेस्टोरेंट, कई सारे रेस्टोरेंट बंद भी थे, क्या पता 25 तारीख के बाद सारे खुल जाए, क्योंकि अभी यही इनका कमाने का होता है कि न्यू ईयर और क्रिसमस पे अच्छे से कमा ले। बस इसकी फ़ोटो ही खींचती रहती है, देख सकते हो ये बस फ़ोटो खिंचवाती रहती है, इसकी बहुत सारी फ़ोटो है। और सुगु यहाँ पर देख सकते हो व्यू का पूरा मज़ा ले रहा है, देख रहा है, फुल मज़ा आ रहा है इसको। पानी इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर पे भी ये पानी के साथ खेलता रहता है, यहाँ पर इतना पानी देखने को मिल रहा है इसको। तो खाली अपनी नज़र को दूर तक ले जाके पानी ही देख रहा है दोस्तों ये, बस और कुछ ही नहीं, इसको इतना मज़ा आ रहा है। तो अब वीडियो में आप पूरा इन्जॉय करें, और आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो प्लीज़ कोई भी मूवमेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, और कोई भी जगह आपको दिल्ली के अंदर घूमनी है वो भी मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपकी पूरी ख्वाहिश कर दूंगा और आपको पूरा घुमा दूंगा और दिखा दूंगा आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, देख सकते हो ये झूला है, इसके अंदर आप बड़े छोटे कोई भी बैठ के झूल सकते हो, 100 रुपये है। पर अभी सुगू छोटा है हमारा, इसीलिए हमने इसको कोई एक्टिविटी नहीं कराई, अभी बहुत छोटा ही है, उल्टी कर देता है बहुत जल्दी, इसलिए अभी हमने कोई एक्टिविटी नहीं करी ना इसको कराई। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम भी सारी एक्टिविटी करेंगे और इसको भी कराएंगे। चलिए दोस्तों फिर कुछ खा लेते हैं, और खाने के यहाँ पर आपको मैकडी है, किंग बर्गर है, तो यहाँ पर आप बर्गर किंग पे जाके आराम से खा सकते हो बर्गर, ये देख सकते हो बर्गर किंग है ये, तो यहाँ पर आप खा सकते हो, वही है जो बाहर है वही अंदर है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी भी ये मज़े ले रहा है, अभी भी इसको मन नहीं भरा है, अभी भी घर जाने को राजी नहीं हो रहा है यहीं पर ही। तो इसकी मम्मी इसको खाना खिला रही, घर से इसके लिए बना के लेके आई थी, क्योंकि ये बाहर का कुछ खाता नहीं है। और ये है बाहर की एक्टिविटी जो बाहर हो रही है, बाहर में भी आप इसको 30-40-50 रुपए में यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हो, ये है मेन गेट इसका। तो चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से, और ऐसा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नए एडवेंचर पर और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए बाय बाय टाटा।